सीमा हैदर फिर से भागने को तैयार। कैमरों के सामने सीमा का इकरार। सीमा का अगला टारगेट क्या? वायरल वीडियो में सब फाश। मोदी सरकार की लक्ष्मी, भारतीय मीडिया की हीरोइन। जानकारी ये भी है जो चर्चाओं में है आपको लेकर, कैसे आपने वो हिम्मत जुटाने की कोशिश की। और सचिन की वेंटिलेटर देवी सीमा हैदर, जो के भारतीय सरजमीन पर गुलाम हैदर के चार अदद बच्चों के साथ सचिन के घर में कब्जा जमाए बैठी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर सीमा ने एक मरतबा फिर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। क्यों, आप चौंक गए ना? यकीनन भारतीय मीडिया का भी अग्नि मिसाइल छूट गया होगा। अब ये कैसे हो सकता है, सीमा तो अब सचिन की है। चलें आप पहले ये वीडियो मुलाहिजा करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत में एक फिल्म का ऑडिशन जारी है। ऑडिशन में एक फीमेल एक्ट्रेस के साथ एक मेल एक्टर है, जो कि सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी पर बनने वाली फिल्म का ऑडिशन रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इस दौरान दोनों अदाकार फोन पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ऑडिशन के दौरान सीमा हैदर का किरदार अदा करने वाली फीमेल अदाकार कहती हैं कि मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। ये मजहब और सरहद की दीवार हमें अलग नहीं कर सकती। ये मजहब की दीवार सरहद के पार कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बस मुझे एक ही बात पे डर लगता है सचिन, बच्चों को। जबकि दूसरी जानिब सचिन का किरदार अदा करने वाला अदाकार सीमा को तसल्ली दे रहा है। ये सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी बच्चे हैं, हम दोनों के। तुम गुलाम हैदर की गुलामी से निकलो, अब और इंतजार नहीं होता। वाज़े रहे कि सीमा हैदर को भारतीय फिल्म साज अमित जानी ने अपनी रोमानवी फिल्म कराची से नोएडा में काम की पेशकश की है, जिसकी कहानी सीमा और सचिन की लव स्टोरी पर मुश्तमिल है। जी जनाब, इसलिए तो हमने आपसे कहा कि सीमा हैदर को फिर से मोहब्बत हो गई है और अब वो फिर से भागने को तैयार है।